Konnichiwa Mina-san, Ogenki desu ka? Hi everyone, I'm Sakshi and welcome to Japanese 24/7. Alright, हम कर रहे हैं हिरागाना और हम ऑलरेडी 25 साउंड कवर कर चुके हैं. जो अभी तक हमने साउंड करे हैं वो है आ ई उ ए ओ, का की कु के को, गा गी गु गे गो, सा शी सु से सो और जा जी जू जे जो. ऑलराइट, आपने जैसे कि हमने जब ये साउंड्स करे थे तो हमने देखा था कि हम 5 साउंड में कैसे तेन तेन लगा के 5 नए साउंड बना सकते हैं. ऑलराइट, ऐसे हम 10 साउंड्स कर चुके हैं जिनमें सिर्फ थोड़ी मॉडिफिकेशन यानी तेन तेन लगाने से वो 10 साउंड बने. राइट, आज भी ऐसा ही कुछ होने वाला है. लेट्स बिगिन. देखिए, आज हम करने वाले तो वाली लाइन. ऑलराइट, तो पहला साउंड है हमारा ता. ता एक बार फिर बता देती हूँ कि जैसे इंग्लिश में या हिंदी में क ख ग ग होता है, इंग्लिश में ए बी सी डी होता है, तो जो साउंड्स होते हैं वो सिर्फ अ है ब है, पर इसमें जो है जापानीज में जो है कॉन्सोनेंट के साथ वाउल अटैच होता है. तो साउंड स नहीं होगा, सा होगा, या शी होगा, सु होगा, से होगा. ऑलराइट, तो चलते हैं ता वाली लाइन पे. तो सबसे पहला जो हमारा है साउंड वो है ता, और देखते हैं इसके स्ट्रोक ऑर्डर क्या है. 1, 2, 3 एंड 4. वंस अगेन, 1, 2, 3 एंड 4. ता, ता से शुरू होता है ताचीमास. ताचीमास यानी ताचीमास, ताची मास माने स्टैंड, टू स्टैंड. ऑलराइट, मैं जैसे दिस में मैंने आपको बताया था कि एंड में यू होता है बट वो साइलेंट होता है. मास हमारा जहां पे मास होता है वो ये हमारे वर्ब होते हैं, और इसमें भी ये यू साइलेंट होता है, तो मास नहीं होता, मास होता है. ऑलराइट, ताची मास. ऑलराइट, अगला करते हैं ताची. इसका स्ट्रोक ऑर्डर देख लेते हैं. 1, 2, 1, 2. ची, ची से क्या शुरू हो सकता है? ची साई, ची, ची साई. ची साई मीन्स, ची साई मीन्स स्मॉल. ऑलराइट, तीसरे पे चलते हैं सु. सो एक ही स्ट्रोक है, सु योई, सु योई, सु योई मीन्स स्ट्रॉन्ग. ऑलराइट, ते अगला है ते. देखिए यहां पे भी एक एक्सेप्शन है. जैसे हमने सा शी था और सी नहीं होता, शी होता है, वैसे यहां पे ता ची होता है, ये ती नहीं होता, ती नहीं होगा, ची होगा. दिस इज एन एक्सेप्शन. ऑलराइट, सिमिलरली ये भी तू नहीं होगा, ये होगा सु. सु, सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन. ऑलराइट, सु से मैंने आपको बताया सु योई. तो अब अगले पे चलते हैं, वो है ते. ते ऐसे लिखते हैं एक ही स्ट्रोक में. ते, ते से होता है ते. ते मतलब हैंड, आर्म. ऑलराइट, या तेगामी भी कर सकते हैं आप. ते गामी, तेगामी मीन्स लेटर. ऑलराइट, नाउ द लास्ट वन, तो. तो, तो, 1, 2, तो. ऑलराइट, इसको तो से शुरू होता है. तोमोदाची, तोमोदाची, तोमोदाची मीन्स फ्रेंड. ऑलराइट, ये हो गए हमारे 5 न्यू कैरेक्टर्स. ता,
ची ती नहीं ची चू तू नहीं चू ते तो ता ची चू ते तो इन्हीं से हम टेन टेन लगा के और पांच कैरेक्टर्स न्यू सीख सकते हैं तो वो होंगे देखिए दा टेन टेन लगाए ता से दा बन गया ये क्या हुआ इसमें टेन टेन लगाया तो ये बन गया जी यस जी शी में भी जब हम टेंटेन लगाते हैं तो वो जी बन जाता है ऐसे ही इसमें भी टेंटेन लगाते हैं ये भी जी ही बनेगा ऑलराइट सू में जब हम टेंटेन लगाते हैं तो वो बन जाता है जू जू ते में जब हम टेंटेन लगाते हैं तो वो बन जाता है दे दे और तो में जब हम टेंटेन लगाते हैं तो वो बन जाता है दो दो तो ये बन गया दा ये बन गया जी ये बन गया जू ये बन गया दे और ये बन गया दो राइट ऑल राइट चलिए इनसे भी थोड़े वर्ड्स देख लेते हैं इनसे शुरू होने वाले आई होप आप ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं आप ये सब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी ही आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे ये शुरू में थोड़ी डिफिकल्ट लगती है क्योंकि ये मेमोराइज करना पड़ता है और बिल्कुल न्यू कैरेक्टर्स हैं इसलिए बट एक बार ये आ जाती है तो आप पूरी मतलब आगे के चैप्टर्स जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो सब कुछ हिरागाना में होने वाला है तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं आपको ये आ जाएगी तो ठीक है ये है द वाली लाइन दो दो एक और बात द जापानीज में ड नहीं होता द होता है तो दिल्ली नहीं होगा दिल्ली होगा तो वैसे ही द है ये ड इंग्लिश में हम शायद ड्रम डी बोलते हैं ड बोलते हैं डैडी डैड बट हिंदी में जब हम करते हैं तो हम द द है ड नहीं है हिंदी वाला ड नहीं द है जापानीज द ऑलराइट तो दा जी जू दे दो ऑलराइट देख लेते हैं इनसे शुरू होने वाले कोई वर्ड्स वन टू थ्री ये बन गया दा तो इसका सबसे पहले स्ट्रोक ऑर्डर देखते हैं जैसे हमने दा बनाया था वन टू थ्री फोर वैसे ही और बस तेन तेन लगा देंगे तो ये दा बन जाएगा और दा से शुरू होता है दाई दो करो दाई दो करो दाई दो करो मतलब किचन ऑलराइट अगला है जी जी हमने करा था जब हमने सौ वाली लाइन में टेन टेन लगा के शी शी को जी बना दिया था राइट तो वो जी हम ज्यादा यूज करते हैं ये बहुत कम इसकी यूसेज है रेयरली यूज होता है जापानीज में तो क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा जी हमें कब पता चलेगा कि हम कौन सा जी कहाँ यूज करना है तो ये बहुत ही कम यूज होता है इसका एग्जाम्पल भी अगर आप देखें तो आपको बहुत कम मिलेगा जैसे ची होता है ब्लड तो ची को जब हम नोज ब्लीड बताना चाहें ची इज ब्लड बट ची में जब हम टेन टेन लगा देते तो ये जी बन जाता है और जब हना जी हना जी में कई यूज दिखता है हना जी मतलब नोज ब्लीड तो अकेले यूज इसका बहुत कम दिखेगा रेयरली दिखता है एक तो इससे कैसी चीज में अटैच होके इसका फिर भी यूज है ऑलराइट ऐसे जू अगर आप देखें ये वाला जू हमारे पास एक और था जो हमने सुजुशी करा था जब हमने सू पढ़ा था उसमें टेन टेन लगाया तो वो जू बन जाता है ना
तो ऐसे ही जू इसमें जब हम तेन तेन लगाते हैं द वाली लाइन में तो ये जू बन जाता है। इसका भी यूसेज कम है थोड़ा, मतलब मैं आपको सुजुकू बोलूं अगर सुजुकू सुजुकू मतलब सुजुकू मतलब टू कंटिन्यू टू गो ऑन कुछ चलते रहना कंटिन्यू होना। ऑल राइट उसके बाद आ जाते हैं दे पे, दे बनाए और तेन तेन दे हो गया, दे से होता है देनवा, देनवा मतलब फोन टेलीफोन और टेलीफोन कॉल को भी हम देनवा बोलते हैं, देनवा खा के रुक टेलीफोन कॉल करना। ऑल राइट दो लास्ट वाले पे आते हैं दो, तो में आपने तेन तेन लगाया तो बन गया दो, दो से शुरू होता है दोको, दोको मीन्स वेयर। ऑल राइट तो आज हमने करे दस न्यू साउंड्स जो के थे ता ची चू ते तो, और उन्हीं में तेन तेन लगा के मॉडिफिकेशन करके दा जी जू दे और दो। तो होपफुली अभी आपको कितना भी ये स्ट्रेंज लग रहा हो बट धीरे धीरे आप यू विल गेट यूज टू इट, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली आपको ये याद होंगे। और बोल बोल के पढ़िए, जो भी अगर आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको जल्दी आपके मुंह पे चढ़ जाएंगे। और तो आज के लिए इतना ही, होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर अभी तक आपने मुझे नहीं सब्सक्राइब करा है तो प्लीज 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 मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़े और कैरेक्टर्स के साथ। इट वॉज वेरी नाइस टू सी ऑल, प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।